Hello everyone, welcome back. Today topic of our discussion is sequences. So let us discuss about the sequence of real numbers, or you can say real sequences. A sequence of real numbers is defined as a function s from n to r. S is a function, n is set of natural numbers, and r is a set of real numbers. जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है नेचुरल नंबर्स का और ये सेट है रियल नंबर्स का, तो इसके ऊपर क्या है हमारे पास फंक्शन s, ठीक है. इफ s ऑफ n टू r इज अ सीक्वेंस, इफ इट इज अ सीक्वेंस देन फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, s ऑफ n बिलोंग्स टू r और s ऑफ n इज अ रियल नंबर. इट मीन्स अगर n कोई भी एक एलिमेंट है या कोई मेंबर है नेचुरल नंबर्स का, मीन्स n इज अ नेचुरल नंबर, और अगर हम कोई फंक्शन s लेते हैं तो n ऑफ ये जो s ऑफ n होगा ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, आर के अंदर. मीन्स एन की जो इमेज होगी वो किस में जाएगी, आर में. आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, विच मीन्स एस एन जो होगा वो एक क्या आएगा, रियल नंबर. ओके, ये जो सीक्वेंस है इसको हम किस चीज कैसे डिनोट करेंगे, एस एन और एस एन. ये जो सीक्वेंस है इसमें जो एस वन है वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट टर्म. एस टू द सेकेंड टर्म. Similarly like this, SN will be the nth term of the sequence. So if we know the nth term of the sequence, we can write all the terms of the sequences. Now let us discuss some examples related to this sequence. This is the first example hai, sequence 1 by n. As you know the nth term of the sequence, you can find out all the terms of the sequences. एस जो फंक्शन है हमारे पास वो नेचुरल नंबर्स के सेट से रियल नंबर के सेट के ऊपर है, तो अगर एन जो है वो कहां बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, तो एन को हम वेरी कराकर बाकी सभी जो भी टर्म्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको हम किसके ऊपर लिखेंगे, इफ यू पुट एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, स्मॉल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, सिमिलरली 1/3 एंड सो ऑन. ओके, तो इसी तरीके से ये जो हमारी यहाँ पे nth टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/n, ठीक है. जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3. n को आपको वेरी कराना है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या आएगा ये 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12 एंड सो ऑन. और nth टर्म हमारे पास आ जाएगी 3n. थर्ड एग्जांपल इज -1 की पावर n. अब यहां 1 को हम वेरी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1 देन वी गेट -1 देन 2 इज +1, सी कंटिन्यूइंग लाइक दिस, -1 की पावर n विल बी द nth टर्म एंड सो ऑन. अब इन 3 एग्जांपल्स में हम क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि जो थर्ड एग्जांपल है वो इन दोनों से अलग है. वो कैसे अलग है, अब देखिए फर्स्ट टू एग्जांपल्स के अंदर आप नोटिस कर रहे हो कि आपकी जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सभी की सभी डिस्टिंक्ट आ रही है, मीन्स डिफरेंट आ रही है, ठीक है. बट इन द थर्ड एग्जांपल हमारे पास डिस्टिंक्ट टर्म्स क्या है, ओनली 1 एंड -1, उसके बाद सभी की टर्म्स जो है वो रिपीटिंग है, ठीक है. अगर टर्म्स मीन्स सिक्वेंसिस के अंदर आपकी जो टर्म्स है वो रिपीट भी हो सकती है और डिस्टिंक्ट भी आ सकती है, तो आप इन एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज को क्लैरिफाई कर सकते हो. अब आता है रेंज, रेंज ऑफ द सिक्वेंसिस. देखिए रेंज ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज द रेंज ऑफ द सीक्वेंसेस. मीन्स जो भी हमारे पास सेट की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम द फंक्शन एस फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स, वो जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आया है, दैट इज सेट जो आया है, वो सेट के अंदर हमारे पास जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है उनका अगर हम कलेक्शन ले लें तो वो कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ द सीक्वेंस. जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 1/n जो हमने सीक्वेंस ली है, 1/n में आप नोटिस कर रहे थे कि जो हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस जो आई थी जो जनरेट हुई थी 1/n से, n को वेरी कराया था हमने 1 to infinity तक, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आए थे वो सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए थे, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आए थे तो इसकी जो रेंज सेट बनेगा, मीन्स 1/n सीक्वेंस का जो रेंज सेट बनेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. 1/n क्यों आया, क्योंकि इसके जो सभी एलिमेंट्स आ रहे थे वो सभी के सभी डिस्टिंक्ट आ रहे थे. कैसे, इसकी जो सीक्वेंस हमारे पास आ रही थी वो किसके इक्वल आ रही थी, 1
1/2, 1/3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आ रही थी। तो जो भी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं उनका कलेक्शन जो होता है वही रेंज कहलाती है, बट जो एलिमेंट्स इसमें आ रहे थे वो सभी के सभी डिस्टिंक्ट आ रहे थे, मीन्स उन सभी का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगी हमारे पास, द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इसके अंदर देखिए -1 की पावर जो n है, आपने नोटिस किया था इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्टिंक्ट इमेज रख रहे थे, बाकी सभी जो भी एलिमेंट्स थे हमारे पास वो रिपीटिंग आ रहे थे, इधर 1 और -1। तो यहाँ हमारे पास जो रेंज सेट इसका बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 एंड 1। क्यों? क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमारे पास डिस्टिंक्ट आ रहे थे। अब आप नोटिस कर रहे हो ये जो सेट आया है हमारे पास -1 की पावर n का जो रेंज सेट आया है वो हमारे पास क्या आ गया, एक फाइनाइट सेट। जबकि ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट नहीं आया था, ठीक है। कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो रेंज होगी किसी भी सीक्वेंस की वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।